हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईएसएल में ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर 2020-21 के सीजन के समाप्त होने पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेंथ पोजीशन पे हैं अरिदाने संताना, जिन्होंने दो सीजन में 32 मैचेज खेल के 19 गोल मारे हैं। उन्होंने अपना पहला सीजन उड़ीसा एफसी के लिए 2019-20 में खेला था, जिसमें उड़ीसा एफसी के लिए 9 गोल मारे, और इस साल 2020-21 सीजन में हैदराबाद की एफसी के लिए 10 गोल मारे। नाइन्थ पोजीशन पे आते हैं मिकू, उन्होंने भी बेंगलुरु एफसी के लिए दो सीजन खेला। उन्होंने 2017 से लेकर 2019 के बीच बेंगलुरु एफसी के लिए दो सीज़न खेला और 32 मैचेज में 20 गोल मारे। एट्थ पोजीशन पे हैं वेल्स केस, इन्होंने भी दो सीज़न खेला है। पहला सीज़न चेन्नई एफसी के लिए खेला और दूसरा सीज़न जमशेदपुर एफसी के लिए खेला है। इन्होंने 38 मैचों में 23 गोल मारे हैं। चेन्नई एफसी के लिए 15 गोल और जमशेदपुर एफसी के लिए 8 गोल स्कोर किया है। सेवन्थ पोजीशन पे इंडियन स्ट्राइकर जे लाल पैथलुआ हैं। इन्होंने आईएसएल में 6 सीजन खेला है। जे लाल पैथलुआ ने आईएसएल का 6 सीजन इंजरी के कारण मिस कर दिया था। उन्होंने अपने शुरुआती 5 सीजन चेन्नई एफसी के लिए खेला है, जिसमें 70 मैचों में 25 गोल किए हैं, और इस साल 2020-21 सीजन में वेस्ट बंगाल के लिए 6 मैचों में 1 गोल किए। सिक्स पोजीशन पे आते हैं यान ह्यूमे, जिन्होंने 69 मैचों में 28 गोल मारे हैं। यान ह्यूमे ने अपना पहला सीजन केरला ब्लास्टर के लिए 2014 में खेला। उस सीजन उन्होंने 5 गोल मारे। 2015 और 2016 का सीज़न एटीके के लिए खेला, जिसमें उन्होंने 18 गोल मारे, और बीच में कुछ सीजन इन्होंने पुणे सिटी के लिए भी खेले। फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं रॉय कृष्णा, जिन्होंने 44 मैचों में 29 गोल मारे हैं। रॉय कृष्णा ने भी अभी तक बस दो सीज़न खेला है। फर्स्ट सीज़न जो कि पिछले साल 2019-2020 सीज़न में 15 गोल एटीके के लिए मारे, और इस साल एटीके मोहन बगान के लिए 14 गोल मारे। फोर्थ पोजीशन पे है मार्सिलिनियो, जिन्होंने 79 मैचों में 33 गोल मारे हैं। इन्होंने आईएसएल में 5 सीजन खेले हैं। इन्होंने दिल्ली डायनामोज, पुणे सिटी एफसी, हैदराबाद एफसी, उड़ीसा एफसी और एटीके मोहन बगान के लिए अभी तक आईएसएल में खेला है। इन्होंने अपना पहला सीजन दिल्ली डायनामोज के लिए 2016 में खेला था, तब उन्होंने उनके लिए 10 गोल मारे, और दूसरा और तीसरा सीजन पुणे सिटी के लिए दो सीजन खेला और 16 गोल मारे, और पिछले साल हैदराबाद के लिए 7 गोल मारे, और इस सीजन उड़ीसा एफसी के लिए एक भी गोल नहीं दागा, और एटीके मोहन बगान के लिए 2 गोल मारे। और थर्ड पोजीशन पे आते हैं उपेचे, जिन्होंने 57 मैचों में 35 गोल मारे हैं। उन्होंने आईएसएल में अब तक 3 सीज़न खेले हैं। पहला सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए 12 गोल मारे, और दूसरा सीजन इन्होंने केरला ब्लास्टर के लिए खेला, जिसमें 15 गोल मारे, और तीसरा सीज़न मतलब इस साल का सीज़न इन्होंने मुंबई सिटी एफसी के लिए खेला, जिसमें उन्होंने 8 गोल मारे। सेकंड पोजीशन पे आते हैं इंडिया के स्ट्राइकर सुनील छेत्री, जिन्होंने 94 मैचों में 47 गोल मारे हैं, और ये इंडिया के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं आईएसएल में। इन्होंने आईएसएल में 6 सीज़न खेला है। मुंबई सिटी एफसी के लिए सुनील छेत्री ने 2015 और 2016 का सीज़न खेला और मुंबई सिटी एफसी के लिए 7 गोल मारे। बेंगलुरु एफसी के लिए वो 2017 से लेकर इस साल तक खेले हैं और अभी तक 40 गोल मारे हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं कोरो, जिन्होंने एफसी गोवा के लिए 3 सीज़न खेला और 57 मैचों में 48 गोल मारे। इन्होंने आईएसएल में 2017-18 सीज़न, 2018-19 और 2019-20 सीज़न खेला था। इस साल उम्मीद थी कि कोरो को एफसी गोवा रिटेन करेगी, लेकिन इस साल उन्होंने कोरो को रिटेन नहीं किया और उनकी जगह पे इगोर इंजुलो को साइन किया था। अब देखना ये होगा कि अगले सीजन इन 10 खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बाई सर्चिंग फुटी ऑल।